नमस्कार सभी को, U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। क्लास 10th का चैप्टर सेकंड था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व करवा रही हूँ। देखें, एक क्वेश्चन था हमारे पास, 4U² + 8U, ठीक है। इसके शून्य ज्ञात करने थे, तो कैसे करेंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखेंगे। दोनों में एक तो यू है और दोनों किससे भाग जा रहे हैं, चार से, तो चार कॉमन ले लूं, तो क्या बचा, यहाँ चार यू, ओनली यू बचेगा, जमा यू तो बाहर आ गया, तो चार दूनी आठ बराबर जीरो। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं, जो हमारे पास गुणनखंड बनते हैं, एक तो सेम बनता था और एक कॉमन वाले से बनता था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, अचर पद नहीं था ना, हमने गुणनखंड टुकड़े करने पड़े, तो यहाँ सीधे बन गए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस पार्ट को बराबर रख देंगे जीरो को और इस वाले पार्ट को बराबर रख देंगे जीरो को। तो 4U = 0, U + 2 = 0। ऐसे क्या होगा, 4U = 0 है तो यू बराबर कितना आ जाएगा, 0/4, तो यू कितना आ गया भाई, 0। यहाँ से U + 2 = 0 है तो प्लस का 2 पर साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यू की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 0 आ गई, एक क्या आ गई, -2। अब इसमें हमें जांच भी करनी थी, तो शून्यकों का योगफल क्या होता था, पिछली वीडियो में बताया गया था कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है हमारे पास -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो माइनस एक्स का गुणांक होता है वहां पे, ठीक है, फॉर्मूला ये था, लेकिन हमारी इक्वेशन किसमें है, यू में, तो यू का गुणांक क्या होगा यहाँ पे, 8/x² का गुणांक, यानी स्क्वायर वाला टर्म क्या है यहाँ पे, U², तो U² का गुणांक क्या है, 4, तो 4 × 4 = 8, ठीक है। अब ये तो जब आया, जब हमने फॉर्मूला लगाया, अब अगर बिना फॉर्मूले के करें कि योगफल हमारा क्या होगा, जो योगफल है वो हमारे पास दो शून्य का आया है, उन दोनों को जोड़ दें, तो 0 + -2 तो कितना आएगा, -2, ये भी -2, ये भी -2, दोनों सेम हो गए, सेम हो गए, तो योगफल की जांच हमारी सही है। अब गुणनफल की देखते हैं, इसी की गुणनफल में क्या होगा, गुणनफल का फॉर्मूला क्या था, एचआर पद बटे x² का गुणांक, एचआर पद हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, एचआर पद क्या था हमारे पास, कि जिसके साथ हमारे यू ना हो, मतलब चर ना हो, वो एचआर पद होता है, तो यहाँ कुछ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0, और x² का गुणांक क्या है, 4, 0/4 क्या होगा, 0। और गुणनफल अगर देखा जाए, गुणनफल हम निकालें किससे, हम गुणनफल निकालते हैं जो हमारे शून्य का आए उन दोनों की गुणा कर देंगे, तो 0 की गुणा हमने अगर -2 से करी तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, दोनों 0 आए, तो हमारे पास क्या होगा भाई, हमारी जो जांच है वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक प्रॉब्लम में आया है, वो है तुम्हारा t² - 15, ठीक है, तो t² - 15। अब इसमें बीच वाला पद नहीं है, शून्य निकालने हैं, तो पहला वही स्टेप, t² - 15 = 0। अब हम 15 के क्या फैक्टर बनाएं कि हमारे पास गुणा करें तो 0 आए, सॉरी गुणा करें तो 15 आए, लेकिन घटा जमा करें तो 0 आए, ऐसे क्या फैक्टर बनाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि किसी चीज का हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, जैसे √2 का स्क्वायर करा तो क्या आएगी हमारे पास, 2 ही आएगी, तो यहाँ 15 है, तो अगर मैं √15 का स्क्वायर कर दूं
तो यहाँ से इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ से भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था भाई, ए माइनस बी और ए प्लस में बी, तो लगाओ ए क्या है यहाँ पे टी और बी क्या है रूट फिफ्टीन, तो टी माइनस रूट फिफ्टीन और टी प्लस में रूट फिफ्टीन बराबर जीरो। यहाँ से टी का मान आ जाएगा रूट फिफ्टीन कॉमा माइनस रूट फिफ्टीन, ये माइनस का है पहले जीरो के इक्वल रखेंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल बराबर, पूरी लाइन अपनी लिख लेना जिस जैसे पीछे क्वेश्चन में करवाया गया है, तो वो क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक क्या है भाई, एक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब जीरो, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है एक, तो आंसर कितना आया जीरो। अब योगफल देखो, तो योगफल का मतलब है इन दोनों को जोड़ना, तो रूट फिफ्टीन माइनस रूट फिफ्टीन कैंसिल हो गए, आंसर क्या आया जीरो, योगफल की जांच तो सही हो गई। अब गुणनफल की देख लो, गुणनफल का क्या होगा एचर पद माइनस पंद्रह बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब गुणनफल अगर वैसे देखें कि हमें रूट फिफ्टीन की गुणा माइनस रूट फिफ्टीन से करनी है, तो क्या आएगा रूट से रूट कैंसिल, तो माइनस फिफ्टीन ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये भी माइनस फिफ्टीन, ये भी माइनस फिफ्टीन, दोनों से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रॉब्लम में है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें तुम्हें योगफल और गुणनफल दे रखा था और मैंने सीधा फॉर्मूला लिखवाया था कि इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स जमा गुणनफल, ठीक है, उसका फॉर्मूला वो क्वेश्चन तुम्हारा प्रॉब्लम में है वो है, एक तो है रूट टू कॉमा वन बाय थ्री, तो भाई ये तो हो गया हमारे पास शून्यकों का योगफल और ये क्या हो गया गुणनफल। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में एक्स जमा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है भाई माइनस रूट दो गुणा में एक्स होगा प्लस वन बाय थ्री, एलसीएम लेंगे भाई थ्री थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ से द्विघात बहुपद हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस में वन, ये हमारे पास द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और था प्रॉब्लम में, जीरो और रूट फाइव, जीरो और रूट फाइव, तो ये क्या हो गया हमारे पास योगफल और ये क्या हो गया गुणनफल, वही फॉर्मूला क्या होगा द्विघात बहुपद का सेम लिख लोगे। अब मैं सीधा लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल कितना है जीरो एक्स, ठीक है, प्लस गुणनफल रूट पांच, तो भाई किसी की एक्स किसी भी चीज की तुम जीरो से गुणा करते हो अपने आप में जीरो हो जाती है, तो क्या आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, ठीक है। एक भाग भी प्रॉब्लम में था, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5,
भाग हमें देना है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन जब मैंने भाग करवाए थे तो उसमें बताया था कि हमारी जो पावर है ऊपर की वो घटते हुए क्रम में होती है। तो यहाँ देखो चार दो एक, यानी चार दो एक आ गई। अब यहाँ क्या है, दो है, जीरो है, एक है, तो घटते हुए क्रम में नहीं हुई तो कैसे लिखेंगे भाई, दो एक जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारे पास क्या हो गया, ये पावर सीरीज में नहीं है, यानी घटते हुए क्रम में नहीं है, दो एक जीरो नहीं है। तो यहाँ पावर कितनी है, यहाँ तो दो है, यहाँ एक भी पावर नहीं है, फिर एक पावर है, तो एक भी नहीं है, यहाँ जीरो है और यहाँ एक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ना लिख के इसको ये लिखेंगे, बस डिजिट आगे आ जाएगी। तो माइनस एक्स था ना, वो माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, प्लस वन यहाँ आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, निशान कोई चेंज नहीं होगा, आगे पीछे होगा, विद निशान आगे आएगा लेकिन। ठीक है, तो देखें इसका प्रोसीजर क्या है भाई, इसकी पावर कितनी है, x की पावर 4, और इसकी पावर कितनी है, x की पावर 2, 2 से 2 पावर कैंसिल हो गई तो कितनी बची, 2, तो कितना आएगा भाई, x square, x square की x square से करी तो x की पावर 4, x square की गुणा माइन x square से करी तो कितना आएगा भाई, माइनस x cube, गुणा मैंने बताई दी थी कैसे गुणा होगी, कि a आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर प्लस 1 से करेंगे तो प्लस में x square, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, और एक्स क्यूब पीछे अब हम आगे लेके आएंगे, एक्स क्यूब यहाँ से माइनस माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस में फाइव। इसका पहला पद क्या है भाई, पहला पद क्या है एक्स क्यूब, और इसका पद क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गई, कितनी बची एक, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस में एक्स, एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर से करी क्या आया एक्स क्यूब, और एक्स की गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लस वन से करेंगे तो क्या आएगा प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा भाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में फाइव। इसका पहला बहुपद, पहला पद क्या है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा माइनस थ्री, माइनस थ्री की गुणा एक्स से करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री की माइनस एक्स से करेंगे प्लस थ्री एक्स, माइनस थ्री की प्लस वन से करेंगे तो माइनस थ्री, प्लस माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल आठ, ये होगा तुम्हारा आंसर। ये 2.3 का पहले का दूसरा पार्ट है शायद, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बता देना, युत्रीज मैं आप ई लर्निंग में आपको समझ आया होगा, आशा रखती हूँ आप और सवाल करेंगे ताकि हम अच्छे से समझा पाएँ। धन्यवाद।